वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी 6 बज रहा है सुबह का और आप लोग यहाँ में देख सकते हो कितनी पोगी है। असल में ये पोगी इसलिए आई है क्योंकि कल बहुत तेज बारिश आया था, वो भी रात को आया था। और अभी हम लोग यहाँ से बागान जाना है और वो भी पापा लेने नहीं आए आज क्योंकि रास्ता वो बहुत खराब है और पापा मम्मी हुआ बागान घर में सोने का कारण वो लोग आज नहीं आ रहे हैं हम लोग को लेने। तो हम और मेरा भाई अभी हम लोग ये टंडा आलू को बुक के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बागान जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखें मेरा भाई जो है वो जो टोकरी बुक के पूरा सामान टंडा को वो बुक के ले जा दे रहे हैं। और आधा ठंडा को थोड़ा पहले भाभी एक तो आया था जो हमारे बागान जा रहा था वो पूरा बुक दिए उसको। और हम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसको बुक में क्यों बोलने से कल रात बहुत बारिश देने का कारण रास्ता पूरा स्लिपरी है और हम टुकड़ी बुकने नहीं आते, बुकने नहीं आते बोल के भी नहीं, मेरा माता में हम जो भारी सामान नहीं उठा पाते इसलिए हम ये टुकड़ी बुकना पसंद नहीं करते क्योंकि पता नहीं माता सेंसिटिव है ना कि माता बहुत दर्द देते हैं हम माता में कुछ भी बुकने से। तो अभी हम लोग आ गया है हमारे बस बागान के घर और रास्ता में मैं पूरा गिर गया स्लिप होके पूरा गिर गया। तो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने क्योंकि मामी लोग खेती चला गया वाला है बागान, वो नया वाला बागान। और हम अभी खाना सब्जी बना के वहाँ पहुँचा दे। ये जो है इसको ये पंपकिन का लीव्स है जिसको हम लोग पाना सब्जी बोलते हैं, पाना वो भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो मुर्गी है ना इसका साथ जो बच्चा लोग है ज़्यादातर बच्चा लोग इसका नहीं है, वो जो बच्चा लोग को ये मुर्गी जो एडोप्ट किया है मतलब क्यों बोलने से उस वो बच्चा का जो असल माता उसको ईगल जो उठा के ले गया था तो जिसका कारण बिना माँ होने का कारण वो वाला मुर्गी जो वो बच्चा लोग को एडोप्ट करके अभी बहुत अच्छा से देखभाल करते हैं। वो मुर्गी जो पूरा कीड़ा वीड़ा खिला के और वो मुर्गी बच्चा लोग का सामने में दूसरा मुर्गी लोग को आसपास आने नहीं देते। और खाना वान खाना सना ऐसा बना दिया, बनाने के बाद पापा जो उसको अभी लेके जा रहा है। मामी कल हमको बोला था कि इतना आदमी नहीं होगा पर आज फिर से 10 इंसान है, सब लोग 10 है। फिर हमको यहाँ में किचन को साफ करो बोल के चला गया। हम लोग का यहाँ में सच बोलने से लड़की बच्चा पैदा होना एक काइंड का बहुत लकी है क्योंकि आप हमेशा सुनने मिलते हैं लड़की बच्चा का ये हो गया वो हो गया पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लड़की बच्चा को ज़्यादा पेम्पर करके रखा जाता है लड़का बच्चा का कुल्फिया में। और हमको भी वो रास्ता से स्लिप होगा बोल के जानने का कारण आज पापा और भाई लोग पूरा सामान वो लोग को उठा के चला गया, हमको उतरना नहीं पड़े क्योंकि वो लोग देख लिया ना मेरा स्लिप काके गिरने वाला को, इसलिए वो लोग जो आज पूरा सामान को धोता के ले गए क्योंकि बारिश देने का कारण रास्ता तो अभी और भी ख़राब हो गया। ये किचन हम लोग का बागान का घर का ये जो नया नया बना है तो पापा मामी बोल रहे हैं कि हमको इसको टिक टक कर दो बोल के, फिर उसका
हमारे यहाँ बेरंदा का भी ये लोग को भी टिक्कर बोल रहे हैं। यहाँ में एक रूम बनाने के लिए है, ये भैया लोग के लिए बनाने के लिए है। पर बात ये कि हमारा यहाँ का जो मिस्त्री है वो लोग जो बहुत जल्दबाज में चला गया, तो इसका कारण पापा जो रहने दे दिया। पता नहीं वो लोग का कुछ काम है ऐसा कुछ बोल के जल्दी चला गया। तो अभी ये सब नहीं करने से पहले हम खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा, मैगी खाना है हमको। तो उसके लिए हम जाएंगे तोड़ने थोड़ा बहुत सब्जी। ये सब्जी जो आप लोग देख रहे हैं ये जो स्क्वाश का है, और हम इसे तोड़ के खाएंगे ये पार्ट को। या तक खा सकते हैं, फिर भी हमको सिर्फ प्रॉन का पसंद है, इसको मैगी का साथ पका के खाने। और मेरा मामी लोग जो ये सब्जी को इतना नहीं खाते, इसका सिर्फ स्क्वाश को खाते हैं, और हमको स्क्वाश पसंद नहीं है सिवाय इसका पट्टा का। ना हो जाएगा क्या? नहीं, और थोड़ा तोड़ेगा। इतना हो जाएगा, अभी मिर्चा भी तोड़ लेगा। इतना हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये हम लोग का एप्पल गच्ची है, और ये ऑरेंज। हम जो एप्पल गच्ची को कब निकलेगा बोल के रुक रहे पहले से। ऑलरेडी थोड़ा बहुत साल हो गया, शायद कोरोना के समय में लगाया था पापा जो, तो इसलिए। पर अभी तक एप्पल नहीं निकला है। तो ये मैगी बन चुका है, अभी जो है हम मैगी खाएगा। ये मैं कैमरा इतना अच्छा लग रहा है, शायद ये लाइट इसका कारण होता होगा, आप लोग भी देख सकते हैं। हम अभी मैगी खा के हो गया, अभी हम जाएगा किचन को टिक टाक करने, उसका बाद बेरंदा को करेंगे। बेरंदा का बाद और देख के करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गंदी सुनने को मिलेगा। और हमको पता भी नहीं था, मेरा पापा लोग प्लम उगाया था बोल के। ये रहा हमारा प्लम गच्ची। हम पहले से पापा मम्मी को पूछ रहा था ये क्या गच्ची है बोल के, इसको क्यों नहीं तोड़ रहे अभी तक ऐसा बोल के। तो देखा तो ये प्लम गच्ची है, थोड़ा साल लगेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत साल लगेगा। पर पापा बोले कि ये अभी तक एक साल ही हुआ है ऐसा बोल रहा था। और ये देखो मैंगो गच्ची, ये इसको ना मेरा सबसे छोटा भाई जो उगाया था वो जो अभी 10 साल का है, तो शायद वो जब 20 साल का हो जाएगा तब शायद ये मैंगो खाने लायक हो जाएगा क्या, निकलेगा क्या, ऐसा है शायद ना। हमको इतना नॉलेज आइडिया नहीं है कब क्या होगा, ये मैंगो लुक का गच्ची लुक कितना समय लगता है ऐसा उतने के लिए। तो अभी चलती हूँ किचन को करने। किचन का हो गया है, और आप लोग ये देख रहे हैं ना, इसको हम लोग का भाषा में अबर बोलते हैं। ये लकड़ी बुकने के लिए होते हैं, और ये और दूसरा इगिन बोल के होगा, और है कि वो इगिन बोलते हैं उसको। पर वो जो इससे अलग होते हैं, जैसे कि अभी हमें छंडा छंडा देख सकते हैं, वहाँ में पूरा छंडा नहीं होता है, और वहाँ में दान ऐसा दान बुकता है, सब्जी ऐसा छोटा मोटा वाला चीज़ जो ये आप देख सकते हैं पुंठा लुक है। तो यहाँ से जो नहीं निकल सकने वाला, मतलब जो निकल सकते हैं यहाँ से ऐसा, जैसा कि चावल लोग यहाँ से ऐसा निकल जाते हैं, ऐसा नहीं निकलने देने के लिए वो इगिन बोल के है दूसरा वाला। और इसको जो नारा बोलते हैं नारा, और ये जो आप देख रहे हैं मेरा पापा जो मेरा छोटा भाई के लिए बना दिए, क्योंकि उसको जंगल जाना बहुत इंटरेस्ट लगता है, इसलिए उसके लिए पापा इसको ये बना दिए। और ये जो किसी जानवर का चिमरा है, मुझे भी नहीं पता कौन सा जानवर का है, पर ये जानवर का चिमरा है। और इसमें इसको पापा लोग ये हम लोग का ये ट्राइब का लड़का लोग जो वो लोग इसको बेग का जैसा बुक के
यहाँ में जो जो नेसेसरी वो लोग को सामान चीज लोग चाहिए होते हैं जंगल जाने समय, उसको पूरा बुक किए जाते हैं इधर में। तो अभी किचन का हो गया था, अभी हम जाके बेरंडा खाला को करने जाएगा। आप लोगों को हम अभी जो यिन बोल के बोला था वो जो इसको बोलते हैं, और इसका बड़ा साइज भी है छोटा साइज भी है। ये छोटा साइज जो असल में सिर्फ सब्जी बुकने के लिए होता है, या फिर हम लोग का कुछ ट्रेडिशनल डांस या फिर फेस्टिवल्स में इसको अपना ये ट्रेडिशनल ड्रेस का साथ पहना जाता है। और एक है उसको हम अभी दिखाएगा। और ये वाला जो देख रहे हैं ना, इसको तुन गिंचो बोलते हैं। क्यों बोलने से, ये जो हम लोग का याखा अपतने ट्राइब लोग बुकता है इसको। और ये मेरा ग्रैंड माँ का था, मेरा ग्रैंड माँ इसको बुक के हमेशा कहती यूज़ करता था, पर मेरा ग्रैंड माँ जो है वो अपाचने नहीं है, फिर भी वो ये इसको बुक के घूमते रहता था। तो ये उसका ही है। अभी हम चलते हैं बेरंदा को टिक करने, झाड़ू सारू मारने। तो अभी बेरंदा का भी सपा सब टिक कर दिया है मैंने। देख सकते हो मैंने इसे पूरा झाड़ू सारू भी मार दिए। अभी जो बच्चा है हमको बर्तन धुलाना है, और आप लोग को हम अभी कुछ दिखाएगा। उधर देखो केराई का अंदर में मुर्गी बच्चा लोग निकलने नहीं सक रहे वो लोग। अभी तक वहाँ पे जो चार तो पस के उतने नहीं सक रहे वो लोग। अभी हमको बर्तन धुलाने जाने है उसको, फिर आप लोग को अभी हम कुछ दिखाएगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसको भी खाते हैं। ये इसका तेज जो थोड़ा सा तीता होता है, इसका नाम हम भूल गया क्या बोलता था, और इंग्लिश में भी क्या है हमको पता नहीं, और हम लोग का भाषा में भी क्या बोलता था हम उसको पूरा भूल गया, क्योंकि इसको हम नहीं खाते, सिर्फ मम्मी और पापा खाते हैं, और भैया भाई लोग कभी कभार खाते हैं, क्योंकि ये जो मेरा लिए बहुत तीता लगता है इसलिए हम इसको नहीं खाते, इसको जला के और उबल के खाया जाता है। और इसको मम्मी लोग उगाएगा बोल के रखा है, पर अभी वो लोग जो वो जो नया खेती हम परसों ले गया था ना, उधर वो लोग गए बागान में, वो अभी तक बहुत सारा बच्चा है बोला है, इसलिए वो लोग वो काम को करने गए। और अभी 10 पोर्टी हो गया, फिर भी देखो पोगी फोगे, देख सकते हो। ठीक है, अभी हम जाएगा बर्तन धुलाने के लिए, माजेंगे भी धुलाएंगे भी, और उसके बाद पानी भी बुकना है। कितने आराम से लेते हुए मेरा बर्तन धुलाने का खत्म होने का साथ साथ यहाँ बारिश आ गया है, फिर भी पानी भरा रहा हूँ। और मेरा बर्तन धुलाने का ख़त्म होने का बात ही देखो बारिश आ गया, और ये थोड़ा बहुत समय तक आएगा होगा बारिश। जो हम लोग का ये बस्ती का वेदर को बिना वो नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। क्यों बोलने से, भले ही वेदर का हवा में हम लोग को आज धूप देगा दिखाने से भी बारिश आते हैं, फिर उसका बाद बारिश आएगा बोलने से भी धूप आते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते। और अभी बारिश आ रहा है इसलिए अभी, फिर भी अभी बारिश आ रहा है तो ऐसा बैठने जाएगा क्या कर सकते ना, रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करके बैठना पड़ेगा। अभी बारिश रुक गई है, नहीं रुका है मतलब आने में तो आ रहा है, पर हम सोच रहे पानी भूख ही लेगा हल्के, जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना जल्दी आराम करने मिलेगा, और उतना जल्दी वापस बस्तीगढ़ जाने को मिलेगा। हमको बस्तीगढ़ इसलिए जाने मन हो रहा है कि हमारा ये बागन का घर में जो लाइट नहीं है, अभी मतलब पोस वोस डाला है पर लाइट कनेक्शन नहीं किया है अभी तक, और हम लोग का बागान जो है बस्ती से बहुत दूर है, 1 किलोमीटर ऐसा कुछ दूर होगा शायद ना, इसलिए जब यहाँ में लाइट बना देगा हम तो यहाँ में ही बैठेगा सोच रहे। ऐसा क्यों बोलने से, आसपास में ना ही घर है कोई भी होगा, सिर्फ हम और मेरा परिवार, मेरा फैमिली लोग होगा, मम्मी पापा लोग, इसलिए
ठीक है, मैं चलती हूँ पानी बनाने के लिए। अभी शाम हो गया है और मामी लोग का खेती का भी छुट्टी हो गया, तो अभी हम लोग सब्जी तोड़ के जाएगा घर, बस्ती घर सब्जी तोड़ के वापस जाएगा। अभी जो देखा है वो मशरूम था और हम लोग अभी यहाँ से निकलेगा। मामी लोग जो मुर्गी को पहुँचा ये घर का अंदर घुसाने में बिजी था, इसलिए इतना रात हो गया। तो अभी हम पापा मामी हम लोग तीनों सुबह जो जो खेती में मदद किया था सब निकल गया और अभी 7 बज रहे, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, और जो जो नया है वो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।